नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अपने गृह जनपद सिद्धार्थनगर गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। वो दोपहर 1 बजे लखनऊ से रवाना हो चुके हैं और दोपहर करीब 1:55 पर डुमरियागंज सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे और दोपहर 2 बजे सीएम कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यहाँ से मुख्यमंत्री करीब 3:05 पर गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और करीब 3:30 पर मुख्यमंत्री गोरखपुर के सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां से शाम 4 बजे वो खानीपुर पहुंचेंगे। यहां 4 से 5 बजे तक सीएम खानीपुर में लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां सीएम सिटी गैस स्टेशन, सीएनजी स्टेशन और घरेलू गैस कनेक्शन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पराग डेयरी गैस कनेक्शन का लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही 13 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी किया जाएगा। इसके बाद सीएम 5:20 पर और 6:20 तक गीता वाटिका में भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की 129वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शाम 6:35 पर गोरक्षपीठ पहुंचेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में ही करने वाले हैं। तो अपने गृह जनपद गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का दौरा, सिद्धार्थनगर में भी योगी आदित्यनाथ का दौरा है। इन 2 जिलों में योगी आदित्यनाथ का दौरा रहने वाला है। तमाम योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। गोरखपुर को, सिद्धार्थनगर को कई योजनाओं का लाभ दे सकते हैं। इसके अलावा गोरक्षपीठ में भी पहुंचेंगे, यहां पर दर्शन पूजन भी कर सकते हैं और रात्रि विश्राम भी गोरखनाथ मंदिर में ही होने जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं योगी आदित्यनाथ के। आप बता दें कि वो गीता वाटिका में भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार जयंती 129वीं जो मनाई जा रही है उस पर जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं उसमें भी शिरकत करेंगे और शाम 6:35 पर गोरक्षपीठ पहुंचाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में ही करने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। हालांकि इससे पहले भी कई कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ के हुए, लेकिन किसी कारणवश वो कार्यक्रम आगे बढ़ा दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में आज बहुत लाभ गोरखपुर को और सिद्धार्थनगर को मिलने जा रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनसभाओं को भी संबोधित कर सकते हैं। तो करीब 1:55 पर, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद, डुमरियागंज सिद्धार्थनगर पहुंच जाएंगे और दोपहर 2 बजे सीएम कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ से मुख्यमंत्री करीब 3:05 पर गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और करीब 3:30 पर मुख्यमंत्री गोरखपुर के सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां से शाम 4 बजे वो खानीपुर पहुंचेंगे। 4 से 5 बजे तक सीएम खानीपुर में लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यहां सीएम सिटी गैस स्टेशन, सीएनजी स्टेशन और घरेलू गैस कनेक्शन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पराग डेयरी गैस कनेक्शन का भी लोकार्पण कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा 13 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी किया जाएगा। इसके बाद सीएम 5:20 पर वहां से रवाना होकर गीता वाटिका में भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की 129वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे और करीब शाम 6:35 पर गोरक्षपीठ के लिए रवाना हो जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में ही करने वाले हैं। तो पूरा तय कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ का। आप बता दें कि 2022 बेहद नज़दीक है और 2022 में उत्तर प्रदेश में सत्ता पलट हो सकती है, यानी कि विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में योगी सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है हर एक लाभ जनता तक पहुंचाने की। जो कार्य किए हैं सरकार ने वो जनता तक पहुंचाने की, जनता तक ये समझाने की कोशिश की जा रही है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इन 4.5 सालों में प्रदेश का कितना विकास हुआ है, जनता का कितना विकास हुआ है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो प्रदेशवासियों को कितनी मिल पाई है, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं क्या उनका लाभ लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं। तमाम बातें हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर और गोरखपुर जाएंगे और यहाँ पर तमाम जनसभाओं को संबोधित भी कर सकते हैं। लोकार्पण शिलान्यास भी कई कार्यक्रम का यहाँ पर होने वाला है। तो ऐसे में ये तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, चौपे चौपे पर पुलिस बल की तैनाती है। आप बता दें कि इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ तमाम जिलों का दौरा कर चुके हैं, वहां पर चुनावी जनसभाएं कर चुके हैं। इन जनसभाओं में साफ तौर पर वो विपक्ष पर विफरते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अपनी सरकार के किए कामकाज भी लोगों तक
पहुंचाने की कोशिश लगातार करते हैं और इसी कड़ी में आज वो सिद्धार्थनगर और गोरखपुर आएंगे। गोरखपुर में सिद्धार्थनगर में उनके कई कार्यक्रम तय हैं, कई ऑक्सीजन प्लांट जो हैं उनका लोकार्पण भी करना है। योगी आदित्यनाथ को कई ऐसे प्लांट भी हैं जिनका उद्घाटन करना है। तो ऐसे में जरूर कहा जा सकता है कि भले ही ये जो दौरा है ये सियासी ना हो, लेकिन इसे सियासी तौर पर देखा जरूर जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रूबी, आज गोरखपुर और सिद्धार्थनगर पहुंचने वाले हैं योगी आदित्यनाथ, तय कार्यक्रम क्या क्या है और क्या इन दौरों को सियासी तौर पर देखा जा सकता है? देखिए पाजी, आपने देखा होगा कि लगातार सारे क्षेत्र जिले जो है लगभग हर एक कार्यक्रम के माध्यम से पहुंच रहे, और खासतौर से पूर्वांचल की अगर आप बात कर रहे हैं तो पूर्वांचल में लगातार इसका दौरा देखने को मिल रहा है। और अब गोरखपुर हो या सिद्धार्थनगर हो, इन जगहों पे पहुंच के इनके जो कार्यक्रम है उसके कई जगह पे महाविद्यालय है, विद्यालय है, शिक्षक को लेकर भी उन्हें कई पहले से भी कहा था कि शिक्षक को जोर दिया था, उसको लेकर भी कई जगह से वो आंगनबाड़ी है उस परिवार को जोड़ने की बात कर रहे हैं। कुल मिला के देखा जा रहा है सियासी दांव भी जरूर देखने को मिला है, भले ही भाषण शुरू हो चाहे जनसभा हो या कोई कार्यक्रम हो, लेकिन योगी का लगातार लगातार इस का जो दौरा चल रहा है वो हर एक जिले को कवर करते हुए जा रहा है। बिल्कुल रूबी, और देखा जाए तो आज गोरखपुर उनका गृह जनपद है और गोरखपुर में इन दिनों आपराधिक घटनाएं भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। क्या इसको लेकर भी जब वो जनसभा करेंगे तो इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है? सरकार ने पहले भी स्पष्ट किया था कि अगर अपराधी कोई भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की बात हम करते हैं, सरकार ने भी ईडी ने बयान दिया है, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि योगी सरकार की तरफ से सख्त आदेश मिले हैं कि अगर पुलिस ही वाला क्यों ना हो, अपोजिट पाया जाता है, उसकी तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की जाए और उसके बाद उसके सामने पेश किया जाए। और रही बात गोरखपुर की, गोरखपुर का क्षेत्र है और पहले से भी वहां से संसदीय क्षेत्र का सांसद रहते हैं, आपको बस्ती बढ़ने के बाद लगातार उसको अपने क्षेत्र में जाना पड़ रहा है और आप अपनी छवि को एक बार फिर से दिखाने के लिए यानी कि अपने क्षेत्र को एक बार फिर से साफ करने के लिए वो लगातार दौरा कर रहे हैं। और कुल मिला के ये भी कहा जा सकता है कि जब से ये जो हत्या हुई है इस मामले को लेकर योगी सरकार काफी सख्त हो गए। अब लखनऊ की अगर आप बात करें, लखनऊ में तभी उन्होंने प्रेस वार्ता करी, उसमें उन्होंने साफ कहा था दोषी कोई भी होगा उसको बख्शा दी जाएगा, उसकी पत्नी को उन्होंने नौकरी का दिलासा दिया है, मुआवजा दिया है। कुल मिला के कहा जा सकता है साथ ही सियासी जो दावेश होते हैं अब योगी सरकार पूरी तरीके से आजमाना शुरू कर दी। देखिए सिद्धार्थनगर भी गोरखपुर से सटा हुआ है रूबी, सिद्धार्थनगर में तय कार्यक्रम क्या है योगी आदित्यनाथ के और क्या आज लाभ मिल सकता है सिद्धार्थनगर की जनता को, क्योंकि 4.5 साल का समय हो गया है योगी सरकार का, बहुत ही कम महीने बचे हैं या ये कहूँ कि वक्त बहुत कम बचा है। समय बहुत कम बचा हुआ है और इस बात का ज्ञान उनको बहुत अच्छे से है कि लगातार उन्होंने जो अभी धुआंधार जनसभा कर रहे हैं या ये कह सकते हैं कि सिद्धार्थनगर हो, गोरखपुर हो, कुछ टाइम पहले अभी गोड्डा है, बलरामपुर है, कुल मिला के इन जगह पर वो ज्यादा जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं जहाँ पे उनका संसदीय क्षेत्र के सटे हुए माने जाते हैं। और आज सिद्धार्थनगर के जो प्रोग्राम की बात करना है वो पहले से बताया जा रहा था कि हो रहा था, लेकिन फिर दोबारा से उसको तैयार किया गया और वो दोबारा से आज इसका ये दौरा वहाँ पे पूरा कराया गया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कागजों की अगर ऐसे थे सिद्धार्थनगर हो या गोरखपुर हो, ये औचक निरीक्षण उसका जरूर है। खासतौर से डीएम और एसपी को रातों रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया गया था कि सीएम का औचक निरीक्षण होने वाला है, आप लोग तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 5 अक्टूबर को लखनऊ आने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो वैसे में अचानक से उनका जो दौरा हो रहा है वो सियासी भी माना जा सकता है या ये भी कहा जा सकता है कि अपनी आखिरी जो वहां की जनसभा है उसके माध्यम से जनता को लुभाने की यानी कि जो योजना अधूरी रह चुकी उसको देने की, या ये भी कह सकते हैं जो जनता को रिझाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। चलिए ठीक है रूबी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद का आज दौरा करने वाले हैं, इसके अलावा सिद्धार्थनगर भी जाएंगे, तमाम योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम है आज योगी आदित्यनाथ का। इसके अलावा वो अपने गृह जनपद में रात्रि विश्राम भी आज करने वाले हैं, यानी ये कहा जा सकता है कि भले ही ये दौरा सियासी ना हो लेकिन सियासी मायने में बेहद खास हो सकता है।
भारत सरकार के द्वारा गरीबों को लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने से राहत देने के लिए उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई, जिससे धुएं से महिलाओं की आंखों को बचाया जा सके और आंखों की जिंदगी बढ़ाई जा सके। इन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए गए। निसंदेह ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसके चलते गरीबों को भी आज गैस चूल्हा नसीब हो सका है। लेकिन सरकार के द्वारा जो सोचा गया था वो योजना में मील का पत्थर साबित नहीं हो सका, क्योंकि बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई के चलते गैस सिलेंडर के दामों में अतिशय वृद्धि हो रही है, जिसके कारण गरीबों को इस सिलेंडर को भराने में बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तमाम लाभार्थी तो ऐसे हैं जो सिलेंडर को घर में रखे हुए हैं और चूल्हे पर खाना बनाते हैं। उनका कहना है कि इस समय सिलेंडर के दाम 1000 रुपए हो चुके हैं। ऐसे में 300 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति अपने बच्चों का पेट पाले या गैस सिलेंडर भराए। जब सिलेंडर की कीमत 400 थी, तब लगभग 80% उज्ज्वला योजना के लाभार्थी गैस चूल्हे का प्रयोग करते थे, लेकिन जैसे ही महंगाई बढ़ती गई लाभार्थियों की क्षमता घटती चली गई है। और अगर हम बात करते हैं आज की, तो कुल लाभार्थियों में से केवल 30% लाभार्थी ऐसे हैं जो अपने सिलेंडर को रिफिल करा रहे हैं और गैस पर खाना पका रहे हैं, जबकि 70% लाभार्थी इस गैस चूल्हे का उपयोग नहीं कर रहे। ऐसे में लाभार्थियों का कहना है कि सरकार यदि गैस सिलेंडर के दामों में कमी लाती है तो हम लोग इसका इस्तेमाल दोबारा कर सकते हैं, नहीं तो हम लोगों के लिए ये बेकार है। खाना बना रहे हैं कि जो मोदी सरकार ने जो है इतनी महंगी लगाए दी है यहाँ, तो नॉन तेल का तो 1000 रुपया होते नहीं, तो 1000 रुपया गैस से कहाँ हम पाई। तो उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस मिली ताकि धुएं से राहत मिले, आप फिर भी क्या नाम है राहत कहाँ मिले, जो है राहत से परेशानी और ज़्यादा बढ़ गया है, जो पैसे न रहे तो कहाँ से हम गैस भराऊ। गरीब आदमी जो है गैस देहे बड़कई नहीं ना, ओका भराए बड़कई है, और जो 1000 का गैस भरावा थी, 1000 का वो जिंदगी में नहीं रही गैस के दाम, तो अब ये 1000 गैस के दाम हो गया है, तो हम जो है गैस हम करना चाहिए, जो है हम अपन चूल्हा हमका सही है। कुन्नपुर आप पास, हाँ आप पास गैस सिलेंडर है? है तो, लेकिन जो हम भराते नहीं है, जो ना का कहते हैं क्यों नहीं भराते हैं? पैसा है ही नहीं है, गदेला पालेंगे, जो ना का कहते हैं गैस भराएं। तो लकड़ी पे आप खाना बनाते हैं? हाँ, लकड़ी बिन के लाते। कोई बीमारी तो नहीं है हो रही है इससे? लकड़ी बनाने पे कोई समस्या नहीं आ रही है? देखिए कि गदेला घर पाले। ठीक ठीक ठीक। गाँव कौन सा है? कनपुर पुनपुर। ठीक। उज्ज्वला योजना की स्थिति बहुत ही खराब है। मोदी जी ने महंगाई इतनी बढ़ गई है इनके शासनकाल में कि यही उज्ज्वला योजना जो लागू किए थे इसमें सिलेंडर तो मुफ्त दे देते हैं, लेकिन समझ लो सरकार कर्ज पर दे रही है। 900 रुपये सिलेंडर के दाम हो गए हैं। गरीब आदमी मजदूरी करने वाला 300 रुपये एक दिन में कमाता है, उसमें 300 घर पर लाता है, तो उसमें उज्ज्वला गैस भराएगा या फिर और सामान लगते हैं उसके घर गृहस्थी चलाने के लिए। आज देखा जाए तो उज्ज्वला योजना की जो मोदी सरकार के शासनकाल में अभी बढ़ रही है गैसें, उनके पास भराने का पैसा नहीं है दूसरी किस्त के, उनके घर के कोनों में धूल मिट्टी जम गई है सिलेंडर पर। ये स्थिति है, ये बहुत ही इनकी असफल योजना साबित हुई है गाँव में। मैं मानता हूँ कि इसके भले ही इस गैस को पैसा देकर देते गरीबों को, लेकिन 400 में सिलेंडर देते जैसे पहले मिलता था तभी हम लोग खुश थे। उज्ज्वला योजना और मोदी जी बढ़िया मतलब योजना निकाले हैं, और गैस महंगी है, महंगी का कारण जो है आदमी के पास पैसा है नहीं, क्योंकि गैस भरा नहीं पाता। तो लोग खाना कैसे बनाते हैं? खाना चूल्हे पे बनाते हैं। उज्ज्वला योजना की स्थिति है कि आदमी भरा तो रहा है सिलेंडर, लेकिन महंगा तो बढ़ ही रहा है, 950 का गैस बढ़ रहा है, क्या किया जाएगा? 940 की पर्ची करती है वही आदमी भराता है, लेकिन आदमी क्या किया जाए, कैसे भराएगा? महंगाई वजह आदमी मार पड़ रही है उसके ऊपर। जो गरीब जनता है उसको फ्री में सिलेंडर बांटा गया था, तो कितने परसेंट लोग उसको भरवाने में जो है भरवा रहे हैं? सब नहीं भरवा पा रहे हैं सर, लेकिन कोई कोई भरवा रहा है, सब नहीं भरा पा रहे हैं। तो सिलेंडर रखा हुआ है उनका? नहीं, भरा रहे हैं बीच बीच में, इंचार्ज के पद पर है। अगर उज्ज्वला योजना की बात की जाए, तो सरकार की योजना चलाई जा रही है, उससे कितना परसेंट का रिफिलिंग हो रहा है लोग दोबारा? उज्ज्वला योजना तो बढ़िया है, हिसाब से अच्छी योजना चल रही है, और
लेते हैं भी, लेकिन गरीब तबके के लोग भाई उनको सोचना पड़ता है भराने के लिए, लेकिन भराते हैं वो भी किसी न किसी तरह चल रहा है काम। वैसे अगर एवरेज बात की जाए तो एक महीने में कितना, एक साल में कितना सिलेंडर मिलता है? 12 सिलेंडर मिलते हैं। कितना लोग रिफिलिंग करवा रहे हैं? रिफिलिंग जिस हिसाब से उनकी खर्चा है उसी हिसाब से भराते हैं। विकास के रथ पर सवार गोरखपुर अब उन शहरों की फहरिस्त में होगा जहां पाइपलाइनों से घरों तक रसोई गैस की आपूर्ति की जाएगी। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों पाइपलाइन से पीएनजी पाइल्ड नेचुरल गैस आपूर्ति की सौगात मिलने जा रही है। रविवार यानी कि 4 बजे खनीमपुर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी टोरेंट कंपनी की तरफ से स्थापित 8 CNG और सिटी गेट सब स्टेशनों का उद्घाटन करने के साथ ही 101 लोगों को घरेलू पाइप गैस कनेक्शन वितरित करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री पराग डेयरी के लिए औद्योगिक गैस कनेक्शन और टोरेंट की तरफ से प्रदेश में बनाए गए 13 ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ करेंगे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल पर टोरेंट कंपनी गोरखपुर में पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस आपूर्ति करने जा रही है, यानी कि गोरखपुर भी पूरी तरह से अब हाईटेक होने जा रहा है, यानी कि अब लोगों को सिलेंडर भरवाने के लिए इधर उधर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, अब सीधे गोरखपुर को पीएनजी की सौगात मिलने जा रही है। तो 8 CNG स्टेशनों का भी उद्घाटन आज योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। महिला शिक्षा के बारे में हमें इस पर विचार करना चाहिए। अगर किसी परिवार में दो या दो से अधिक बालिकाएं एक साथ पढ़ रही, एक विद्यालय में पढ़ रही हैं, या तो विद्यालय से संपर्क करके, विद्यालय से इस बारे में कह करके कि शासन के स्तर पर हम स्नातक तक की फ्री एजुकेशन बालिकाओं के लिए कर रहे हैं, लेकिन निजी क्षेत्र के विद्यालयों में जो बालिकाएं अध्ययन कर रही हैं एक ही विद्यालय में, उन विद्यालयों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि अगर एक ही परिवार की दो बालिकाएं या दो से अधिक बालिकाएं एक ही स्कूल में या एक ही कॉलेज में अध्ययन कर रही हैं तो उन बालिकाओं में से क्या, अगर दो बहनें हैं तो एक बहन की फीस को वे माफ करने की कार्रवाई करेंगे? नहीं करती हैं तो विभाग को शासन स्तर पर इस पर विचार करना चाहिए कि उन बालिकाओं की फीस को हम शासन स्तर से वहां पर प्रदान करने की व्यवस्था कर सकें, ट्यूशन फीस उन बालिकाओं के लिए शासन स्तर से दी जा सके, जिससे अभिभावकों को इस कोरोना कालखंड में हम एक राहत देने में योगदान दे सकें। गोंडा में समाज कल्याण विभाग में नियुक्ति देने के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां जालसाज के 8 लोगों को कैबिनेट मंत्री और गृह सचिव के फर्जी हस्ताक्षर वाले नियुक्ति पत्र बांट दिए गए। बता दें कि इन पत्रों पर कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री और अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश अवस्थी के नाम से हस्ताक्षर किए गए हैं। इन पत्रों में तृतीय श्रेणी के 22 और चतुर्थ श्रेणी के 16 पदों पर नियुक्ति किए जाने का उल्लेख है। साथ ही पत्रों में अपर मुख्य सचिव अविनाश अवस्थी और विशेष सचिव धनंजय शुक्ला के नाम का भी उपयोग किया गया। वहीं जब लोग संबंधित कार्यालय में नियुक्ति पत्र लेकर पहुंचे तब मामले का खुलासा हो सका। जानकारी के मुताबिक जालसाज ने 8 लोगों से नौकरी के नाम पर 38 लाख रुपए की वसूली की है। बता दें कि जालसाज ने खुद को मंत्री कार्यालय में तैनात कर्मचारी बताकर इस ठगी को अंजाम दिया। मामले में ठगे गए सभी लोग बाराबंकी के रहने वाले हैं। वही आरोपी की पहचान गोंडा जिले के थानेपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले दीपू के रूप में हुई है। गोंडा से खबर सामने आई, तस्वीरें आप एक के बाद एक देख रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ भी इस ठग ने फोटो वायरल है इसकी, और तमाम जो साधु संत है उसके साथ भी इसकी फोटो वायरल है। तो नौकरी के नाम पर 30 लाख की ठगी यहाँ पर की गई है। मंत्री के हस्ताक्षर वाले फर्जी कागजातों पर यहाँ दिखाकर नौकरी के नाम पर मासूम लोगों को फंसाने का काम किया गया है, और अब तक 30 लाख की ठगी दीपू नाम का एक शख्स कर चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी राजमंगल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं गोंडा से। राजमंगल, एक शख्स दीपू नाम का, बड़े बड़े ऐसे अधिकारी हैं, सचिव हैं, जिनके हस्ताक्षर वाले पत्रों को लेकर लोगों को आसानी से अपने जाल में फंसाता था और ठगी करता था। जी देखो बाबू, समाज कल्याण विभाग के नियुक्ति पत्र देने का मामला जो है संज्ञान में आया है। ये जो वहां
इसी का रहने वाला है। आगे तक इसने आरोप लगाया है कि थानेपुर निवासी जो लखनऊ में मंत्री का करीबी है और उसने फर्जी तरह से हस्ताक्षर करके नियुक्ति पत्र दिया है और ठगी करके 30 लाख रुपए लेने की का आरोप लगाया है। जिस तरह से देखा जाए, वही अगर बात किया जाए समाज कल्याण मंत्री की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये विपक्ष का साजिश है हमको बदनाम करने का, ऐसा कोई भी मामला नहीं है, किसी से हमने कोई पैसा नहीं लिया है। लेकिन अगर पीड़ित का बात किया जाए जिसने आरोप लगाया, तो उसका साफ तौर पर कहना है क्या सिर्फ एक ही पीड़ित है या क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ इस शख्स ने ठगी की है या और भी लोग इसमें शामिल है, और भी लोग ठगी का शिकार हुए हैं? 8 लोगों का मामला संज्ञान में आया है, लेकिन खुल करके अभी जो सामने आया है वो केवल एक ही आदमी है जो बाराबंकी जिले का बताया जा रहा है। हालांकि जो ठग करने वाला है वो गोंडा जिले का है, थानेपुर निवासी है और वो दीपू नाम का जालसाज है जो कि मंत्री का करीबी बताया जाता है। उसके फोटोज भी दिखाई दिए हैं मंत्री के साथ में, वही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ भी उसकी फोटो शेयर की गई है। जी बिल्कुल, और देखा जाए तो इस तरह की तमाम तस्वीरें पहले भी सामने आई हुई है, ऐसे तमाम ठगे जो सामने आ चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि तमाम जो सचिव हैं, तमाम जो मंत्री हैं, उनके साथ इसकी फोटो है और करीबी बताया जा रहा है, उसके बावजूद भी अब तक कोई एक्शन इस पर नहीं लिया गया? जी, जिस तरह से देखा जाए कि उस अपर सचिव अवनीश अवस्थी व विशेष सचिव धनंजय शुक्ला के नाम का भी उसने उपयोग किया है और फर्जी तरह से हस्ताक्षर करके ये जो नियुक्ति पत्र बांटा है, ये बहुत ही गलत चीज है। हालांकि इसमें अगर बात किया जाए, उन्होंने बात किया जब रमापत शास्त्री समाज कल्याण के जो मंत्री है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है और ये केवल और सिर्फ वो हमको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे सरकार बदनाम। बिल्कुल, क्या वो पैसे शख्स के पास मिले हैं जो 30 लाख रुपए बताए जा रहे हैं कि ठगी किए थे? जी? जो 30 लाख रुपए बताए जा रहे हैं कि दीपू नाम के शख्स ने ठगी किए थे, क्या वो पैसे बरामद हो सके हैं? नहीं, अभी तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी वो चक्कर लगा रहा है, अभी वो उसके जो ठगी करने वाला दीपू है उसके खिलाफ अभी तक कोई FIR तक पंजीकृत नहीं हुआ है, अभी वो इधर उधर भटक रहा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मंत्री के हस्ताक्षर वाले जो पत्र हैं उन्हें दिखाकर मासूम लोगों को यहां पर अपने जाल में फंसाया गया है इस शख्स द्वारा और 30 लाख रुपए ठगे गए हैं। हालांकि इसके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं कराई गई है और अपने बचाव में साफ तौर पर यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसे विपक्ष द्वारा फंसाया जा रहा है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। वहीं सहारनपुर में 3 महीने पहले गंगोह थाना इलाके के मोहल्ला गुलाम औलिया कलंदर चौक निवासी शादाब उर्फ बादशाह का शव गुलाम औलिया के पास ही बंद पड़ी राइस मिल के अंदर मिला था। मामले में परिजनों ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या जैसे कोई सबूत नहीं मिले थे, लेकिन शादाब के पिता मशकूर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे और वो लगातार अधिकारियों से जांच की मांग कर रहे थे, जिसके चलते आज एक बार फिर से CO रिजवान अहमद और SDM नकुर की मौजूदगी में शादाब के शव को कब्र से निकलवाकर फिर से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों को शक है कि शादाब की हत्या हुई थी, जिसके बाद परिजनों ने DM से गुहार लगाई थी कि शादाब के शव को कब्र से निकलवाकर फिर से उसका किसी बड़े पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाए। मृतक शादाब पुत्र महबूब निवासी जो औलिया थे, इनकी मृत्यु लगभग 3 माह पूर्व हुई थी, जिसके संबंध में FIR दर्ज कराई गई थी और उस समय पोस्टमार्टम जो हुआ था उससे मृतक के पिता संतुष्ट नहीं थे महबूब, तो उनके द्वारा कप्तान साहब से रिक्वेस्ट की गई है और उसी के क्रम में आज दोबारा कब्र से शव को निकाल कर इसको पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भिजवा रहे हैं। भाई DM साहब ने जैसा अब मामला पूछा कि किस तारीख में जो अपहरण होया, किस तारीख में जो बॉडी मिली, और भाई हमारी बात किसी थी सीधा हमारे बच्चे की किस वक्त 3 दिन का दिन में फटा रहा और आज फिर देखो। हम तो जो है सबसे यही इंसाफ की गुहार लगाते आ रहे हैं, अल्लाह में साहब देता।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वाले इंडिया के साथ।